जो हमारा लोकल मार्केट है या जो हमारे आर्टिसियंस हैं उनके प्रोडक्ट्स भी हमको लेते रहना चाहिए, जिससे कि उनका भी घर चलता रहे और वो भी अपने त्योहारों को अच्छे से मना सके। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज़। तो कैसे हैं आप सब? आप सब भी आजकल बिजी होंगे अपने घर को साफ करने में और सजाने में। मैं भी इन्हीं कामों में बिजी हूँ और आज आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैंने रिसेंटली परचेज करे हैं घर को सजाने के लिए। कुछ फर्निशिंग्स हैं, कुछ होम डेकोर आइटम्स हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की स्पेशलिटी ये है कि ये आपके खाली फेस्टिवल्स में ही काम में नहीं आएंगे, ये आपके थ्रू आउट ईयर काम में आएंगे। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि खाली फेस्टिवल्स के नाम पे अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो बस वो उस समय यूज़ होती है, बाद में फिर हमें उनको पैक करना पड़ता है और संभालना पड़ता है। तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स में लेने की सोचती हूँ कि थ्रू आउट ईयर यूज़ हो या फिर गेस्ट्स के टाइम भी यूज़ हो जाए तो भी अच्छा है, मुझे बस खाली उसको स्टोर करके ना रखना पड़े। प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लोकल मार्केट से भी लिए हैं, उनसे अगर मिलते जुलते मुझको मिलेंगे तो उनके लिंक्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही होम रिलेटेड कंटेंट मैं वीकली आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। चलिए देखते हैं आज का ये शॉपिंग हॉल। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये फर्निशिंग्स में एक प्रोडक्ट लिया है मैंने, होकीपो ब्रांड का इलास्टिक चेयर कवर विद फ्रिल है। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था। रेगुलर मैं डाइनिंग टेबल की चेयर्स के ऊपर कवर लगा के रखती हूँ। ये एक पैकेट में दो कवर्स आए हैं और इनका थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने ये मंगाया। अभी फेस्टिवल्स में तो यूज़ हो ही जाएगा और फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है। डाइनिंग टेबल की चेयर पर कवर्स मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है ये सही से इनका फिटिंग भी आ जाता है। तो ये वाला मैंने लिया है, इनका डिज़ाइन इसलिए डिफरेंट है, देखिए ये थोड़ा सा नीचे से ना फ्रिल बना हुआ है, इनके अंदर बिल्कुल प्लेन नहीं है। ज़्यादातर नहीं तो प्लेन पैटर्न में या कुछ अलग अलग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में तो रेगुलर कवर्स मिल जाते हैं, ये मुझको इसलिए अच्छा लगा। बहुत सारे डिज़ाइंस और कलर्स में ये वाला पैटर्न अवेलेबल है फ्रिल वाला, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी अपने घर के थीम के अकॉर्डिंग, 6 सीटर 4 सीटर जो भी आपको चाहिए हो। इसके बाद में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये मैं आपको पहले भी एक बार शो कर चुकी हूँ, मैंने एक बार हॉल वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने सोफ़ा कवर्स दिखाए थे, वो मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। एलिमेंट्स, ये शायद नीलकमल ब्रांड का है, तीनों कॉम्बिनेशन में आते हैं, ट्रिपल सीटर, सिंगल सीटर, 2 सीटर, सब सोफ़ा कॉम्बिनेशन में आते हैं। मेन एडवांटेज इन कवर्स का ये है कि ये रिवर्सिबल रहते हैं, एक साइड से जैसे ये आपका है ऑरेंज बोल सकते हैं और दूसरी साइड से जैसे ये ग्रे है, तो आपको जिस समय आपका जैसा मूड हो वैसे आप चेंज कर सकते हैं। और जो इनकी मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी लगी वो ये है कि ये स्लिप नहीं होते हैं बिछाने के बाद में। मैं ऑलरेडी 1 साल से यूज़ कर रही हूँ ये वाले कलर्स, 2 सेट ऑलरेडी हैं मेरे पास में, सिंगल सीटर के लिए नहीं था तो मैंने इस बार मंगाया है। ये भी अलग अलग कलर्स में है, जैसे बताया मैं खाली फेस्टिवल्स के लिए नहीं परचेस करी है, वो भी आपको शो करूंगी, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं जो थ्रू आउट ईयर आपके यूज़ हो जाएंगे और मुझे आइडिया था कि ये अच्छे ही निकलेंगे। नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही प्यारा सा मुझको देख के पसंद आ गया था। ये स्टूल है, वेट है थोड़ा, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। और ये देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर यहाँ पे प्रिंट है, ये भी अलग अलग प्रिंट्स में अवेलेबल है। ये पूरा वुडन है और नीचे इसका बहुत ही ये सुंदर सा कंटेम्प्रेरी मैं बोल सकती हूँ कि डिज़ाइन है, स्लीक लुक देता है इस स्टूल को। ये लेग्स बने हुए हैं, पिन लेग्स बोलते हैं इनको, तो इस पर आप कुछ भी अपना यूज़ एज अ साइड टेबल भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई प्लांटर भी रख सकते हैं। मैंने क्या रखा हुआ है वो भी मैं आपको शो कर रही हूँ, और इसमें भी अलग अलग तरह के पैटर्न्स और डिज़ाइन और साइज़ अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख के मंगा सकते हैं। मेरी तरफ से 100% मैं इसको मार्क्स दूँगी, मुझको जब से मैं यूज़ कर रही हूँ और जिसने भी देखा उसको पसंद आया है, और सबसे अच्छी बात इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आजकल चल रहा है जैसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो उसमें तो शायद ये आपको और भी कम रेट में मिल जाए। ये आपको जो मैं वीडियोस दिखाती हूँ ना हॉल वाले, उसके बाद में घर की और अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, पूरा फैला के छोड़ देती हूँ। ये जूट की बास्केट है, ये बहुत स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग बास्केट है। बास्केट्स आई ऑलवेज लव,
क्योंकि अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे बास्केट्स हमारे घर में बहुत काम आती हैं। बास्केट्स के ऊपर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के बाद आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने अपना पूरा बास्केट कलेक्शन शो किया था। तो उसी में ये एक और एडिशन है, ये पूरा मेटल का फ्रेम है इसका, और उसके ऊपर ये जूट की फिनिशिंग दी गई है, जूट से केन से, एक्चुअली केन के वायर्स हैं वो लगाए हुए हैं, तो ये स्टर्डी है काफ़ी, ऐसा नहीं है लूज़ है, और आप इसको डिफरेंट वेज में अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ भी रखेगी आपके घर में एक अलग से उस जगह का लुक एनहेंस हो जाएगा। मल्टीपल वेज हैं, आप इसको किचन में, अपने लिविंग रूम में, अपनी बेड की साइड टेबल पर, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये दिखा रही हूँ, ये भी मुझको बहुत अच्छा लगा था प्रोडक्ट, ये भी अमेज़ॉन से मंगाया था, ये इवन लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है। वुडन स्टूल है, देखिए कितना प्यारा सा इसका वाइब्रेंट कलर है, इसमें अलग अलग साइज़ में ये आपको मिल जाएगा। मैंने ये एज अ प्लांट स्टैंड, प्लांटर रखने के लिए मंगाया था, नीचे एज अ बेस मैं इसको यूज़ करती हूँ, दिखाऊंगी अभी आपको, किसी कॉर्नर में रखा हुआ बहुत सुंदर लगता है, ये फेस्टिव सीज़न है तो उसमें ये कहीं पर कॉर्नर में रखा हुआ, कितना वाइब्रेंट इसका कलर है, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। ये लोकल मार्केट का परचेज़ है, जो हमारा लोकल मार्केट है या जो हमारे आर्टिसियंस हैं उनके प्रोडक्ट्स भी हमको लेते रहना चाहिए, जिससे कि उनका भी घर चलता रहे और वो भी अपने त्यौहारों को अच्छे से मना सके। ये देखिए कितना प्यारा सा ये तोरण है, ये क्लॉथ में है, वॉशेबल है बोला है उन्होंने, अभी मैं यूज़ करूँगी फेस्टिवल पर, फिर लगा रहेगा डोर के ऊपर, तो ये बहुत ही वाइब्रेंट, जैसे फेस्टिवल कलर्स होते हैं ना, येलो ग्रीन और पिंक कलर में मिरर वर्क के साथ में, नीचे लटकन लगी हुई है, लोग पीछे ये लटकाने के दिए हुए हैं, इस तरह का ये बहुत ही प्यारा सा तोरण है। अगर अमेज़ॉन पर लिंक मिलेगा मुझे इस तरह के किसी तोरण का, तो मैं आपको बता दूंगी। आपको दिखाती हूँ, एक होम सेंटर से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे, ये मैंने ली है एक बहुत ही, कितना यूज़ करती हूँ ना मैं, बहुत ही बहुत ही वर्ड। तो ये मैंने ली है एक प्यारी सी ट्रे राउंड शेप में, नीचे मिरर लगा हुआ है और साइड में ये पूरा क्रिस्टल से इसका बॉर्डर दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका लुक और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। और ट्रे आप कहीं भी रखेंगे ना, डाइनिंग टेबल पे, अपनी सेंटर टेबल पे, इवन साइड टेबल पे या अपने ड्रेसिंग टेबल पे, इसमें जो भी कुछ रखेंगे उसकी ब्यूटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ये वाली ट्रे पीछे पीस का ये मेटल बेस है, साथ ही में ये लगे हुए हैं रिवेट्स लगे हुए हैं, तो कहीं पे स्क्रैच नहीं आएगा, क्वालिटी वाइज इज़ वेरी गुड। दिखाने जा रही हूँ बहुत ही एक प्यारा सा प्रोडक्ट, और ये है एक खूबसूरत सा फाउंटेन, छोटा सा क्यूट सा, बहुत बड़ा नहीं है ये, मैं इसको लगा के बताती हूँ आपको किस तरह से फिटिंग आएगा। तो ये इस तरह का फाउंटेन है, ये दो बर्ड्स बनी हुई हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे फाउंटेन के साथ में बर्ड्स बैठी हुई हैं, चिरपिंग बर्ड्स का, ये छोटे से फ्लावर्स दिए हुए हैं, मोटर का अलग से आया है पूरा, तो ये आप किसी भी कॉर्नर में अपने लिविंग रूम के या अपनी बालकनी में या कहीं भी रखेंगे, तो एक तो फाउंटेन से भी सूदिंग लगते हैं, कहीं पे भी लगे हुए हो अच्छे उनका इफ़ेक्ट ही अच्छा होता है, प्लस इसका डिज़ाइन इतना प्यारा था तो मैं इसको लेने से रेजिस्ट नहीं कर पाई। लोकल मार्केट से ही लिया है, पर शुभ और लाभ वुडन बेस में है और बहुत ही वाइब्रेंट कलर में है, एकदम फेस्टिव फील भी देते हैं। दरवाजे पे कहते हैं ना, जैसे कि एकदम अच्छे से वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे ब्राइट कलर्स यूज़ करने चाहिए, तो उसमें ये आता है, पीछे भी ये किया हुआ है, ये लोकल ही लोग बनाते हैं आर्टिसंस, तो उनका कितना इनमें काम हुआ हुआ है वो देख के पता चलता है, पूरा ये हैंडवर्क है और सन की शेप में इस तरह के ये शुभ लाभ हैं, पीछे लटकाने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे हुक, नहीं तो आप इनको चाहें तो डबल साइड टेप से भी लगा सकते हैं। फेस्टिवल्स के लिए परचेज है, लेकिन थ्रू आउट ईयर यूज़ होगा।
तो ये थी मेरी कुछ शॉपिंग जो मैंने आज आपके साथ में शेयर करी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा या आप मंगाने की सोच रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे पहले मैंने एक बेडशीट्स के से रिलेटेड वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक बहुत सुंदर सुंदर और यूनिक बेडशीट्स आपको शो करी थी, वो भी आप चेक कर सकते हैं अपने घर के लिए रहने के लिए, क्योंकि वो भी मैंने ऐसे शो करी थी कि आप खाली फेस्टिवल्स में नहीं रेगुलर भी उनको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा। और अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही होम रिलेटेड मिक्स कंटेंट मैं आपके साथ में वीकली शेयर करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। एंड स्क्रीन पे मैंने पिछली शॉपिंग की अपनी लिस्ट दी हुई है, बेडशीट हॉल चेक कर सकते हैं। उस टाइम पहले दिवाली रिलेटेड वीडियोस भी डाले थे जिसमें कि मैंने पूरे घर को आप किस तरह से अपने डेकोरेट कर सकते हैं वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना घर अच्छे से सजाइए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी शॉपिंग। एट अ ग्लांस ये सारी चीज़ें देख लीजिए। अभी वापस मैं इनको रखने जा रही हूँ जगह पे या जहाँ पे लगानी है। सो क्यूट, बहुत सुंदर है ना इनका कलर, देखते ही एकदम आई कैचिंग है। यस।